ये नारा हम सब लगाते हैं, जय जवान जय किसान। और बीजेपी के लोग थकते नहीं, भारत माता की जय बोल करके। सोचो जिस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हो, नौजवान का भविष्य ना हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार ना हो, नौकरी और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, कोई भर्ती ऐसी सरकार की नहीं जिसमें पेपर लीक ना होता हो। ये कमाल की सरकार है, इसमें लीक होते हैं पेपर, और ये लीक जानबूझ करके सरकार करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहते, उसकी नियत में नौकरी देना नहीं है। ये कुछ लोगों को काम, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का सरकार क्या कर रही है। हमें उम्मीद है ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां जहां आवाज उठाएगा वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जा रहा है मैं उसको बधाई देता हूँ। राहुल जी को, तमाम अपने कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया है। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अस्सी हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ।